नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और आप सभी का स्वागत है जागरूक दिल्ली में। 10 साल बीत गए हैं, 178 से बढ़कर 290 करोड़ खर्च हो गए हैं, तब बना दिल्ली का ये फ्लाईओवर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रानी झांसी रोड फ्लाईओवर की, जो अब बनकर तैयार होने ही वाला है। रानी झांसी रोड फ्लाईओवर पर 30 सितंबर से ट्रैफिक दौड़ सकेगा। इससे पुरानी दिल्ली के सदर बाज़ार, यमुना बाज़ार और कश्मीरी गेट बस अड्डा इलाके में एक दशक से लग रहे जाम से निजात मिलेगी। करीब 1.6 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन सितंबर 2008 में शुरू हुआ था। तब करीब 178 करोड़ रुपए खर्च होने का प्लान था, लेकिन इसे बनने में 10 साल और 290 करोड़ लग गए हैं। इस फ्लाईओवर के नीचे बच्चों के खेलने का पार्क, पार्किंग और मॉर्निंग वॉक ट्रैक बनाए जा रहे हैं। लोगों के बैठने के लिए यहाँ चौपाल भी होगी। और साथ ही हम आपको ये बता दें कि नॉर्थ एमसीडी के एक सीनियर अफसर के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर से जो ट्रैफिक रात में दिल्ली आता है, वह नई दिल्ली के कनॉट प्लेस और दूसरे इलाकों से होते हुए धोला कुआं और वहां से आगे जाता है। इस ट्रैफिक से ही कश्मीरी गेट बस अड्डे, यमुना बाज़ार स्थित हनुमान मंदिर के पास जाम लग जाता है। इसी तरह से जो ट्रैफिक पंजाबी बाग, राजौरी गार्डन की ओर से आता है और शाहदरा बस अड्डे से होते हुए हरियाणा, पंजाब या जम्मू कश्मीर की ओर जाता है, उससे पुरानी दिल्ली के सदर बाज़ार, आज़ाद मार्केट में भयंकर जाम लग जाता है। रानी झांसी फ्लाईओवर के शुरू होने से पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और शाहदरा की ओर से आने वाला ट्रैफिक सीधे इस फ्लाईओवर से धोला कुआं निकल जाएगा। इससे बस अड्डा और नई दिल्ली एरिया में जाम की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। राजौरी गार्डन, पंजाबी बाग और पश्चिम दिल्ली के दूसरे इलाकों में बस अड्डे की ओर आने वाले लोगों को भी जाम से राहत मिलेगी। सदर बाज़ार और आज़ाद मार्केट में कई साल से हो रही जाम की परेशानी भी अब खत्म हो जाएगी।